चिल्ड्रेन हाव एल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल सो बच्चों हमें कोई भी काम करना हो दिन में कोई भी एक्टिविटी करनी हो चाहे हमें स्टडी करना हो प्ले करना हो घूमने जाना हो वॉट वी नीड वी नीड एनर्जी और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है थ्रू द फूड वी ईट हमारी मम्मा हमें हमेशा बोलती है ना टू हैव योर मील ऑन टाइम हमेशा फ्रेश और क्लीन खाना खाना चाहिए क्योंकि हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज हम डिफरेंट काइंड ऑफ़ फ़ूड्स के बारे में पढ़ेंगे हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ़ फ़ूड्स होते हैं हमारी अलग अलग प्रेफरेंसेज होती हैं किसी को कोई खाना पसंद होता है किसी को कुछ और खाना पसंद होता है तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स के बारे में सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ फूड मिल्क मिल्क आपने बच्चों मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्यों जरूरी होता है क्योंकि बोन्स और मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है मिल्क एक डेयरी प्रोडक्ट है हमें एनिमल से मिलता है हमें ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलते हैं हमें एनिमल्स से मिलते हैं काओ बफेलोज इन सब से मिलते हैं तो ये एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो हमारी मसल्स को बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हम तो डिफरेंट मिल्क अगर हमें ऐसे ही कंज्यूम नहीं करना तो हम क्या करते हैं हम डिफरेंट फ्लेवर्स का मिल्क करते हैं किसी को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद होता है किसी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद होता है तो हम डिफरेंट फ्लेवर का भी मिल्क इंजॉय करते हैं इवन हम डिफरेंट शेक्स भी इंजॉय करते हैं डू वी yes we enjoy different shakes also hot milk cold milk but most importantly it is very important to have at least two glasses of milk daily so the next type of food after milk is chapati yes chapati these are round in shape or to have पेट भर के खाना हम उसमें क्या करते हैं हम अपने लंच में डिनर में चपातीज लेते हैं वो ये ऑलमोस्ट ब्राउन कलर की होती हैं येस yes. और उस क्या होता है डिफरेंट ग्रेन्स की भी हम खाते हैं मल्टी ग्रेन्स भी खाते हैं दूसरे ग्रेन्स जो भी हमारा फेवरेट होता है हम उस ग्रेन्स की चपाती इंजॉय करते हैं बट चिल्ड्रन हमें हमेशा अपनी डाइट में चपातीस को इंक्लूड करना चाहिए सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड वी हैव आफ्टर चपाती जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दाल दाल की अगर हम बात करें तो दाल बहुत ही फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं प्रोटीन्स होते हैं हमें एटलीस्ट एक बोल ऑफ दाल ज़रूर खाना चाहिए चाहे हम लंच में खाएं, चाहे डिनर में खाएं, हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में तभी हमारी डाइट क्या होगी एक हेल्दी डाइट होगी और ऑल्सो हमारे क्या होता है डिफरेंट डा जो होती हैं डिफरेंट कलर की होती है येलो दाल रेड दाल ब्लैक दाल हम डिफरेंट दाल्स को इंजॉय करते हैं ईद उद चपाती और समटाइम्स राइस के साथ भी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दाल इन योर डाइट नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड इज़ बटर येस वी ऑल लव दिस डेरी प्रोडक्ट हम सबको अच्छा लगता है बटर इधर हम पराठा में डालते हैं हम ब्रेड ब्रेड बटर भी खाते हैं ये या तो येलो कलर का होता है या फिर वाइट कलर का भी होता है बट वी ऑल इन्जॉय हैविंग बटर और ये हमारा फेवरेट भी होता है सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड वी हैव राइस राइस आर ऑलमोस्ट एवरी वन फेवरेट ये जो राइस होते हैं एक फुल मील होती है हम राजमा चावल भी इंजॉय करते हैं दाल चावल किसी किसी को कड़ी चावल भी पसंद होते हैं तो राइस इज़ अ फेवरेट फूड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी वन और हम इन अ डे एटलीस्ट एक बार तो राइस को कंज्यूम कर ही लेते हैं सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड आफ्टर राइस वी हैव वेजिटेबल्स येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं और मम्मा हमेशा बोलती हैं न टू हैव लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी के लिए हमारी ग्रोथ के लिए हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है सो ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव वेजिटेबल्स सीजनल वेजिटेबल्स इन योर डाइट तभी आपकी डाइट क्या होगी एक हेल्दी डाइट होगी सो वेजिटेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आफ्टर वेजिटेबल्स वी हैव नेक्स्ट आइटम फूड आइटम बिस्किट्स येस बिस्किट्स एज अ स्नैक हम कंज्यूम करते हैं जब भी हमें भूख लगी होती है एंड वी हैव आर मील्स बट इन बिटवीन द मील्स हमें कुछ खाना होता है तो हम क्या करते हैं बिस्किट को एज अ स्नैक कंज्यूम करते हैं डिफरेंट बिस्किट्स डिफरेंट फ्लेवर के होते हैं किसी को चॉकलेट बिस्किट पसंद होता है किसी को जैम बिस्किट पसंद होता है डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं जो हम इन्जॉय करते हैं और कई बार क्या होता है शुगर फ्री बिस्किट्स भी हैं हमारे पास होल ग्रीन बिस्किट्स भी हैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट बिस्किट्स पसंद होते हैं सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड आइटम आफ्टर दिस बिस्किट इज़ सूप सूप बहुत ही डिलीशियस होता है डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं इसमें स्वीट कॉर्न सूप होता है टोमेटो सूप्स होते हैं हमें बिफोर हमारे डिनर के हम क्या करते हैं हम मम्मा बोलती है ना टू हैव अ सूप ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है और बहुत ही लाइट होता है इसके बाद ऐसा नहीं होता कि हमें खाना नहीं खाना है ये ऑल्सो क्या होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है तो इसके बाद हम खाना भी खाते हैं सो आफ्टर सूप वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड आइटम वी हैव एग फुल ऑफ प्रोटीन दिस ओवल शेप्ड एग इधर इन ब्राउन कलर और वाइट कलर और फुल ऑफ प्रोटीन हमारी वो माँ हमेशा बोलती है न प्रोटीन प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है हमारी हेयर ग्रोथ हमारी स्किन ग्रोथ हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए इन आर डाइट और स्पेशली हम ब्रेकफास्ट में तो ज़रूर प्रेफर करते हैं मुख्य होते हैं लाइट होते हैं और ये पूरे दिन के लिए हमें सफिशेंट एनर्जी दे देते हैं अब एग्स हमें मिलते कहाँ से हैं हैंड से मिलते हैं एग्स और फिर फार्म में प्रोसेस होती हैं और फिर हम तक पहुंचते हैं तो एग्स आर वेरी वेरी हेल्दी एंड डिलीशियस ऑमलेट्स भी बनते हैं सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड आइसक्रीम एवरी वन लवस आइसक्रीम स्पेशली जब समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं से इंजॉय करते हैं आइसक्रीम डिफरेंट फ्लेवर्स की होती हैं ऑल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद होती है किसी को बटर स्कॉच हम कॉन्स में भी इंजॉय करते हैं और क्या करते हैं हम आइसक्रीम केक्स भी खाते हैं तो हम आइसक्रीम को भी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से कंज्यूम करते हैं इट्स अ वेरी डिलीशियस फूड नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड फ्रूट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ग्रोथ हमें मम्मा हमेशा क्या कहती हैं हमें कहती हैं ना टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स और हमें सीजनल फ्रूट्स तो ज़रूर खाने चाहिए वो हमें क्या करते हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हमें कोई भी डिजीज़ ना हो अगर हम बीमार पड़े तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हम जल्दी से ठीक हो जाएँ तो चिल्ड्रेन ऑलवेज हैव फ्रूट्स इन योर डाइट क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं प्रोटीन्स देते हैं वाइटामस देते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो so बच्चों आज हमने पढ़ा अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स और इनकी अलग अलग शेप साइज और कलर्स भी होते हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्लूड गुड एंड क्लीन फूड इन योर डाइट हमें हमेशा हर टाइप के फूड को क्योंकि हर फूड में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है सो विद दिस दिस इज़ द एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू